हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डार्क सर्कल्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल और 100% नेचुरल होम रेमेडी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेना होगा एक मीडियम साइज का फ्रीजर में चिल किया हुआ आलू। आलू को हमें अच्छी तरीके से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट किए हुए आलू को एक पतले से कपड़े में रखकर इसका सारा रस निकाल लीजिए। इस बोल में हमने 2 से 3 चम्मच आलू का रस निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। फिर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पोटैटो जूस और विटामिन ई ऑयल के मिक्सचर को एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने आईज के आसपास लगाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, पोटैटो में पाया जाता है विटामिन बी और विटामिन सी जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और एजिंग साइंस को भी रिड्यूस करने का काम करता है। और इसमें हमने यूज किया है विटामिन ई ऑयल का जो कि हमारी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और ये रिंकल्स को रिड्यूस कर हमारी स्किन को यंग, स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। मिक्सचर को लगाने के बाद हम फिंगर्स की हेल्प से अपने आईज के अराउंड लाइटली मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद गुनगुने पानी से अपने आईज को वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आपकी आईज काफी ज्यादा यंग और फ्रेश दिखने लगेंगी। तो ये थी आज की होम रेमेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।